और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का, और आज का हमारा नंबर है 30%। 2024 में 370 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी करीब 30% मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। जो सांसद बेटिकट होंगे इसका पता तो अभी नहीं चला है, लेकिन टिकट हासिल करने वाले बीजेपी के 150 से भी ज्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार है जो कभी भी जारी हो सकती है। खबर तो यह भी है कि बीजेपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सभी लोकसभा सीटों के टिकट फाइनल करना चाहती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट 370 प्लस की गारंटी होगी? क्या नरेंद्र मोदी के इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने पुख्ता प्लान बना लिया है? उम्मीदवारों का वो अंकगणित क्या है जो बीजेपी को रिकॉर्ड सीटें दिलवा सकती है? आइए आपको दिखाते हैं। स्वागतम माँ माटी मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। भारत माता के, भारत माता के। क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? मोदी, मोदी, मोदी। पहले झारखंड के धनबाद और फिर पश्चिम बंगाल के आराम बाग में प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों की 56 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। इन दो राज्यों में पिछली बार बीजेपी को 29 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार अगर देश भर में अकेले 370 से ज्यादा सीट हासिल करनी है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 29 के अंकगणित को काफी आगे ले जाना होगा। झारखंड की बात बाद में करेंगे, पहले पश्चिम बंगाल चलिए। जहां हुगली जिले के आराम बाग में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सरकारी और फिर चुनावी सभा की सरकारी सभा में 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया, और फिर चुनावी रैली में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से कम 35 पर जीत के अभियान का आगाज किया। संबोधन की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने उम्मीद के मुताबिक संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर करारा प्रहार किया। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर दे रहे हैं उन 3 बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। संदेश खाली की महिलाओं से टीएमसी के स्थानीय सभापति शाहजहां शेख के यौन उत्पीड़न और गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जे के आरोपों से राजनीतिक उबाल चरम पर है। संदेश खाली के सनसनीखेज खुलासों के बाद प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल पहुंचने से ठीक एक दिन पहले ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया, टीएमसी से निलंबित किया गया, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी ने टीएमसी की सियासी घेराबंदी का ऐसा प्लान बनाया है कि सूबे की सत्ताधारी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। टीएमसी ने
संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। नरेंद्र मोदी 2 मार्च को नदिया जिले के कृष्णा नगर में भी सरकारी सभा और चुनावी रैली करेंगे। जाहिर है वहां भी वो संदेश खाली का मुद्दा जरूर उठाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टारगेट 370 प्लस में पश्चिम बंगाल बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि 2019 में इसी राज्य से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। पार्टी ने अब की बार पश्चिम बंगाल में कम से कम 35 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है, और इस लक्ष्य को पूरा करने में संदेश खाली के मुद्दे पर जनता के आक्रोश और बीजेपी के नैरेटिव का बड़ा योगदान हो सकता है। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। मोदी ने अब की बार बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है। क्या यह टारगेट पूरा हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इसका प्लान और फॉर्मूला क्या है? तो बीजेपी इस लक्ष्य को राम प्लान से हासिल कर सकती है। बड़ी बात ये कि इस प्लान का रिश्ता भगवान राम से नहीं बल्कि RAM से है। बीजेपी के इस फॉर्मूले का पूरा अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आपको 14 लोकसभा सीटों वाले राज्य झारखंड में प्रधानमंत्री की सरकारी और चुनावी सभा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां धनबाद में उन्होंने 2 दशक से ज्यादा वक्त से बंद सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2018 में इसका शिलान्यास किया था। धनबाद में प्रधानमंत्री ने 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया, फिर रोड शो किया और चुनावी रैली भी। यहाँ JMM कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना, यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। मोदी 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णा नगर के बाद बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय जाएंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने और सरकार में बीजेपी की वापसी के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है। मोदी के झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की यात्रा को लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो वो 2 दिन में इन 3 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे, जहां 2019 में एनडीए को 69 सीटें मिली थी।
ऐसे में मोदी की नजर पिछली बार के 69 सीटों को कायम रखने के साथ साथ इन तीन राज्यों की बची हुई 27 सीटों पर है। बीजेपी को अगर 2024 में अकेले 370 और एनडीए को 400 के पार जाना है तो उसे न सिर्फ 2019 में जीती सीटों को अपने पाले में बनाए रखना होगा बल्कि हारी हुई सीटों की बाजी भी पलटनी होगी, विरोधियों की सीटें भी जीतनी होगी। इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी भी है। इसके लिए उम्मीदवारों के चयन की कवायद तक जारी है। 29 फरवरी को ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रात 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 4 घंटे चली। इसमें 16 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई और अंतिम मुहर लगाई गई। चूंकि लक्ष्य 370 पार का है, इसके लिए उन मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटेंगे जिनकी जीत पर थोड़ा सा भी संशय है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ऐसे 25-30% सांसदों के टिकट काट सकती है। वैसे मौजूदा सांसदों का टिकट काटना कोई बड़ी बात है। 2014 के बाद 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बावजूद 2019 में भी बीजेपी ने कई लोकसभा सांसदों को बेटिकट कर दिया था। 2019 में बीजेपी ने 2014 में जीते 282 सांसदों में से 119 को टिकट नहीं दिया, यानी पार्टी ने 42% लोकसभा सांसदों को बेटिकट कर दिया था। ऐसे में 2024 में भी कुछ इसी तरह से मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की संभावना पूरी है। 2019 में बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से अब की बार कम से कम 60-70 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा कि कुछ मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है जिन्हें हालिया राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया था। इन मंत्रियों में भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया के नाम शामिल हैं। यूपी में राज्यसभा के 2 सांसदों को भी लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पार्टी ने 52 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। बीजेपी की यूपी इकाई अब की बार राज्य की सभी 80 सीटें जीतने तो समाजवादी पार्टी उसे 80 की 80 सीटों पर हराने के दावे कर रही है। दोनों दलों के दावे सुनिए, फिर आपको बीजेपी के 80 सीटों के जीतने का अंकगणित भी दिखाएंगे। 2024 के लिए हम सब कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम और गठबंधन के सटीक गणित से वो यूपी में नया कीर्तिमान बनाएगी। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची तय होने से पहले ही पार्टी ने उत्तर प्रदेश और असम में सहयोगियों की सीटें तय कर दी हैं। किसे कितनी और कौन सी सीट मिलेगी, इसकी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी ने यूपी में अपनी सहयोगी आरएलडी और अपना दल को 2-2, निषाद पार्टी और एसबीएसपी को 1-1 सीट देने का फैसला लिया है। यानी 6 सीट पर सहयोगी और बाकी 74 सीट पर खुद बीजेपी लड़ेगी। अपना दल को इस बार भी मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट तो आरएलडी को बागपत और बिजनौर सीट मिल सकती, जबकि असम में बीजेपी अपनी सहयोगी एजीपी को 2 और यूपीपीएल को 1 सीट देगी और खुद 11 सीट पर लड़ेगी। फिलहाल बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे की अंतिम तस्वीर आनी बाकी है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जिसे पूरा करने में बीजेपी के रणनीतिकार पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं और इसका फॉर्मूला है RAM। आर से रीगेन, यानी 2014 में जीती और 2019 में हारी सीटों को दोबारा जीतना। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी तो 2019 में 303, लेकिन 2019 में पार्टी 2014 में जीती 35 सीटें हार गई थी तो 56 नई सीटें जीत ली।
बीजेपी ने 2019 में 2014 में मिली जो 35 सीटें गवाई उनमें से 9 उसने सहयोगियों को दी थी और इन सीटों को बीजेपी के सहयोगियों ने जीत भी लिया। ऐसे में बीजेपी को असल नुकसान 26 सीटों का हुआ, लिहाजा 2024 में बीजेपी को ये 26 सीटें जीतनी होंगी। ए से अटेन यानी नई सीटों को जीतना, 2019 में बीजेपी 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। अगर इन सीटों पर 10% वोट इधर से उधर हुआ यानी बीजेपी के वोट शेयर में 5% का इजाफा और विपक्षी दल के वोट में 5% की कमी हुई तो बीजेपी को 39 और सीटें मिल सकती है। एम से मेंटेन यानी 2019 में जीती सीटों को कायम रखना, इसके लिए बीजेपी को पिछली बार मिली 303 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट बरकरार रखना होगा। इस तरह RAM फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 26 प्लस 39 प्लस 303 यानी 368 पर पहुंच सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए इस बार कांग्रेस ने भी अब तक यूपी में समाजवादी पार्टी तो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी से सीट बंटवारे का अंकगणित तय कर चुकी है। हालांकि केरल और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन का गणित अब तक गड़बड़ नजर आ रहा है। ऐसे में उसका हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार उतारने की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पर जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। बीजेपी के अब की बार 400 पार के ख्वाब को तोड़ने के लिए कांग्रेस की तैयारी जारी है। इसके लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को बचाने सहयोगियों से सीट बंटवारे के साथ साथ वो अपने उम्मीदवारों के चयन में भी जुटी है। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे पर कांग्रेस खेमे से भी बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी ने पूर्वोत्तर के सभी राज्य, दक्षिण के केरल और हिंदी हार्टलैंड के मध्य प्रदेश में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की होने वाली बैठक में तकरीबन 100 नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राहुल गांधी भी 2 मार्च से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान से मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे। इससे पहले 4 दिन का ब्रेक लेकर वो लंदन गए थे। इस बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरते गिरते बची। ऐसे में अब सवाल ये कि हिमाचल की सरकार कांग्रेस ने बचा तो ली, लेकिन 2024 के चुनाव में वो बीजेपी को हरा पाएगी या फिर मोदी अब की बार 400 पार का अंकगणित हासिल कर हैट्रिक बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2024 का अंकगणित में आज बस इतना ही। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहे TV9 भारतवर्ष।